जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में जाजे आवाज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त निखिल श्रीवास्तव। दोस्तों, इस समय हम उज्जैन में हैं। उज्जैन में यह संदीपनी आश्रम है। संदीपनी आश्रम वह स्थान है यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण इसी पाठशाला में पढ़ा करते थे। जो सामने आप देख रहे हैं, यहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा और दाऊ भैया के साथ पढ़ा करते थे। और यह संदीपनी महर्षि संदीपनी की तपोस्थली है। और इस तपोस्थली पे ही यह आश्रम था और इसी आश्रम में पढ़ा करते थे। यह द्वापर युग का आश्रम है और जो कि आज भी संरक्षित किया गया है। और यहाँ पे बहुत प्राचीन कुंडलेश्वर महादेव मंदिर है। यहाँ पर खड़े नंदी हैं जो कि अपने में अद्भुत है। तो ये दर्शन है बहुत, आइए हमारे साथ दर्शन करिए। एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे। एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे। चाहे सीताराम कहो, चाहे सीताराम कहो या बोलो राधे श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। महर्षि संदीपन आश्रम में गोमती कुंड लोक श्रद्धा का प्रतीक है। पुराणों युक्त विवरण के अनुसार महर्षि संदीपनी के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते समय श्री कृष्ण का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट हुआ कि प्रतिदिन सुबह कुछ समय के लिए महर्षि संदीपनी आश्रम से कहीं नहीं दिखाई देते नहीं। इस बारे में जब श्री कृष्ण को गुरु माता ने ज्ञात हुआ कि गुरु माता के द्वारा ज्ञात हुआ कि गुरु प्रातः काल प्रति दिवस गोमती नदी स्नान करने के लिए जाते हैं, इससे श्री कृष्ण ने विद्यादान करने में विलंब होता है। गुरु को स्नान के दौरान आने जाने में वाले कष्ट निवारण है श्री कृष्ण ने गोमती नदी के जल का आवाहन किया। उनके आवाहन करने पर महर्षि संदीपन के आश्रम के समीप संदीपन पावन गोमती नदी जलकुंड के रूप में प्रकट हुई, जो गोमती कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। आज भी गोमती कुंड संदीपनी आश्रम में इस कई वर्षों के अंतराल के बाद भी परिवर्तित वर्गाकार में मौजूद है, जो भगवान श्री कृष्ण के गुरु भक्त का स्मरण कराती है। जय महाकाल। गोमती कुंड उन्होंने बनाया था कि वो अपने गुरु को कि यहाँ पे खुश करें। ये गोमती का पानी है। गोमती को आवाहन किया, गोमती यहाँ प्रकट हुई क्योंकि उनके गुरु जाते थे गोमती में स्नान करने के लिए, आने जाने में बहुत समय लग जाता था तो उनके शिक्षा ग्रहण करने में विलम्ब होता था। तो इसलिए जब उनकी माता से जब उनको बारे में पता चला तो उन्होंने आह्वान किया और गोमती प्रकट हो गई। तो ये कुंड तब से द्वापर कालीन कुंड है जो आज भी मौजूद है, जिससे दर्शन करते जय गोमती मैया की जय। ये हमारे कृष्ण भगवान की जो लीलाएं रची गई उनके द्वारा, तो वो सारी ये कला दीर्घा के रूप में
ये दर्शाई गई हैं। ये कितनी अद्भुत सुंदर और कल्पनाशील ये कलाएं हैं जो शायद इनको देख के हम लोग बहुत गौरवान्वित होते हैं और अपने प्रभु को स्मरण करने करते हैं और इनको देख के बहुत मन हर्षित होते हैं। जैसे गुरु के साथ सब कृष्ण सुदामा और दाऊ भैया बैठे कर रहे हैं। कृष्ण भगवान की लीलाएं हैं जो सब दर्शाई गई हैं। ये देखिए कितना अद्भुत अलौकिक दृश्य है जो शायद देखने को बहुत कम मिलते हैं। ये देखिए कितना अद्भुत अप्रतिम सुंदर बहुत सुंदर कला दीर्घा बनाई गई है जिसको देख करके हम लोग बहुत मन मेरा बड़ा प्रफुल्लित है। जी संदीपनी द्वारा ये देखिए सिखाए गए 64 कलाओं में ये संगीत का है जो भगवान श्री कृष्ण सितार वादन कर रहे हैं और इनके साथ साथ जानवर भी सितार की ध्वनि को देख रहे हैं। ये देखिए बहुत सुंदर वातावरण बहुत सुंदर प्रतिम चलते रहो चलो। ये बहुत सुंदर स्थान है यहाँ पे हमारे प्रभु श्री कृष्ण भगवान अपने मित्र सुदामा और दाऊ भैया के साथ शिक्षा ग्रहण करा करते थे। यह वही स्थान है यही यह संदीपनी आश्रम का या गुरुकुल है। यहाँ पे बहुत कुछ देखने को मिलेगा और यह शायद ये हम कला दीर्घा के माध्यम से दिखा रहे हैं आप लोगों को क्योंकि यह अद्भुत दृश्य शायद हम लोगों के माध्यम से ये वीडियो के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने की मैं कोशिश कर रहा हूं जिससे आप लोगों के यहाँ पहुंच सके और आप देख सकें कि कितने अद्भुत दृश्य हैं कि गुरु से शिक्षा ग्रहण करते भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे गुरुकुल आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते हैं और फिर उसके बाद 64 दिनों में 64 कलाएं उन्होंने हासिल करी और यहीं से फिर वह जब शिक्षा ग्रहण करने के बाद फिर भगवान श्री कृष्ण द्वारका गए और द्वारिका में वह द्वारिकाधीश के रूप में उन्होंने अपने साम्राज्य का निर्माण किया और वहीं से सृष्टि जो हमारा पूरा वो रहा तो उसका उन्होंने वो संचालन किया और वहीं से महाभारत का अंत हुआ। उसके बाद महाभारत के अंत के बाद यदुवंश भी समाप्त हो गया उसका भी अंत हो गया और यही जो मित्र इनके सुदामा थे वो पोरबंदर में वो रहा करते थे और सुदामा एक दिन मिलने के लिए अपनी पत्नी सुशीला के कहने पर भगवान श्री कृष्ण से मिलने गए तो वहाँ चावल लेके गए तो भगवान क्योंकि गुरु माता ने उनको चावल दिए थे चने चबाने के लिए तो सुदामा के लालच आ गया और उन्होंने अकेले चने चबा लिए तो इसलिए गुरु माता ने उनको श्राप दे दिया था कि दरिद्रता का तो वो दरिद्री हो गए तो उनको दरिद्र जो है उनके चावल के रूप में उन्होंने चबा लिया प्रभु ने तो जैसे जैसे उनका दरिद्र चबाते वैसे वैसे उनको एक एक लोग सौंपते गए और इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने उनकी दरिद्रता खत्म करी। तो यहाँ आने से बहुत कुछ होता है और जब हम यहाँ के बाद हम लोग पोरबंदर जाएंगे सुदामा का वो देखेंगे स्थान जहाँ वो रहा करते थे
और इसके बाद हम लोग द्वारिकाधीश के भी दर्शन करेंगे, बेट द्वारिका के करेंगे दर्शन, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने चावल चबाए थे और वहाँ पे चावल का दान होता है। तो इस तरीके से आप अद्भुत अप्रतिम ये कलाकृतियाँ देख रहे हैं और बहुत सुंदर ये दृश्य बनाए गए हैं। इनके माध्यम से हम आप लोगों को ये सनातन धर्म का प्रचार प्रसार है, तो ये हम वीडियो बनाते हैं जिनको आप देख के हर्षित होते हैं। और आप देखिए और देखते रहिए, इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए। और वीडियो कैसा बना है तो उसको कमेंट करके जरूर बताइए। संदीपनी आश्रम से हम मैं निखिल श्रीवास्तव एक बार पुनः आपको ये सब दर्शन करवा रहा हूँ। और ये द्वापर युग का या द्वापर युग का मंदिर है। में सुंदर है दोना, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दोना, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। चाहे कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर है दोना। चाहे कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर।